कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है, भगवान कौन है, हु इज गॉड? क्योंकि आज व्यक्ति इतने कंफ्यूज हैं कि वो किसी को भी भगवान कहने लगते हैं। फलाने बाबा भगवान, फलाने बापू भगवान, फलाने साईं भगवान, इस घर में भगवान, उस घर में भगवान, ये सब भगवान ही है। तो क्या सब भगवान हैं? नहीं। तो फिर भगवान कौन है? देखिए, यदि हम ये खुद से पता करने का प्रयास करेंगे ना भगवान कौन है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान कौन है? हमें शास्त्र और वेद के माध्यम से जाना पड़ेगा, हमें शास्त्र और वेद का मदद लेना पड़ेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसका जन्म हुआ, उसके पिताजी कुछ दिनों के बाद विदेश कमाने के लिए चले गए। अब उस बच्चे को अपने पिताजी का चेहरा याद नहीं, तो कैसे अपने पिताजी को पहचानेगा? वो खुद से खोजेगा, ढूंढेगा, तो परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन यदि उसी समय वो अपनी माता के पास चला जाए, तो उसकी माता तुरंत बता देंगे, बेटा यही तुम्हारे पिताजी हैं। ठीक उसी प्रकार ये वेद, ये शास्त्र जो है, हमारे माता के समान है। और जब हम इनके पास जाएंगे, तो ये हमें हमारे वास्तविक पिता भगवान के विषय में बता देंगे कि भगवान कौन है। तो आइए हम देखते हैं शास्त्र और वेद के माध्यम से कि भगवान कौन है। आइए देखते हैं इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, दुनिया के प्रथम जीव ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर कौन है? कृष्णा। सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चित आनंद देने वाले हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, जो सबसे पहले हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं, वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण है। आइए हम देखते भोलेनाथ क्या कहते हैं, देवों के देव महादेव वैष्णवानाम यथा शंभु। भोलेनाथ क्या कहते हैं, पद्म पुराण में भोलेनाथ कहते हैं क्या, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुर आराधना परम। कहते हैं देखा जाए तो वेदों में सभी देवी देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, परंतु भोलेनाथ कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा जो है, आराधना जो है, सो समस्त पूजाओं में, समस्त आराधनाओं में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का चरम लक्ष्य ही है, अल्टीमेट गोल ही है हमारे जीवन का क्या, भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा और आराधना। और खुद मैं तो यही करता हूं, भोलेनाथ तो यही कह रहे हैं कि मैं दिन भर तो यही बैठ के करता हूं क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं दिन भर तो यही करते रहता हूं। अब आइए हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवत में पितामह भीष्म क्या कहते हैं, कृष्ण कौन है। युधिष्ठिर को बताते हैं पितामह भीष्म क्या कहते हैं, येशुवे भगवान साक्षात, उंगली दिखाते हैं, भगवान ऐसे सामने खड़े हैं और ऐसे उंगली दिखाते हैं, युधिष्ठिर को बता रहे हैं, युधिष्ठिर को कि येशुवे भगवान साक्षात आद्य नारायणा पुमान। क्या कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, ये कृष्ण जो हैं सो साक्षात परम ब्रह्म भगवान हैं, ये आदि नारायण हैं और सभी भोक्ताओं के परम भोक्ता हैं, ये सभी वस्तुओं के भोक्ता हैं। देवी कुंती क्या कहती है भगवान के विषय में, भगवान कौन है? कहते हैं नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरा प्रकृते परा। क्या कहते हैं,
हे कृष्णा, हे भगवान, हे आदि पुरुषोत्तम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। किसको करते हैं? नमस्यम पुरुषम तो माध्यम, जो यादि काल से हैं, जो अनंत से हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और वो कौन है? हे कृष्ण, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक व्यक्ति भगवान के विषय में बता रहे हैं। अब देखते हैं कि साक्षात भगवान क्या कहते हैं अपने विषय में। साक्षात भगवान क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्या? अहम सर्वस्य प्रभो मक्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावाश मन्विता। मैं समस्त भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है, और जो लोग जानते हैं वे लोग मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी वस्तुओं के जड़ हैं। क्या है? मूल है। ठीक है, तो हमें फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति जड़ में, मूल में पानी डाल देता है तो क्या होता है, वो पानी जो होते हैं खुद ब खुद पेड़ की शाखाओं में, पत्तियों में पहुंच जाता है। वैसे ही जब व्यक्ति कोई कृष्ण की पूजा कर लेता है, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर भगवान को एक जगह और कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं? मक्ता परंतर न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में जुड़ी होती है, धागे में गुथी रहती है, उसी प्रकार सभी कुछ, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। बाहर से दिखते तो मोती हैं, लेकिन अंदर से उस मोतियों को जोड़ के किसने रखा है? तो धागे ने जोड़ के रखा है। तो सबको जोड़ के किसने रखा है? धागे ने जोड़ के रखा है। श्रीमद् भागवत में एक जगह और एक बात आती है, क्या? एते चंसकला पुंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब कुछ क्या है? भगवान के अंश हैं, भगवान के अंशा अवतार हैं, भगवान से प्राकट्य है सबका। लेकिन कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान साक्षात, हे कृष्ण तुम साक्षात भगवान हो, परमेश्वर हो। अब ये तो हुई कि हिंदू धर्म में ये लिखे हुए हैं। अब देखिए अन्य अन्य धर्म के ग्रंथ क्या कहते हैं। बाइबल में यीशु मसीह क्या कहते हैं भगवान के विषय में? क्या कहते हैं? भगवान कौन है? यीशु मसीह कहते हैं कि माई सेल्फ, आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। क्या कह रहे हैं? मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। अब देखिए कुरान में मोहम्मद साहब पैगंबर क्या कहते हैं? मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा का पैगाम लेके आया हूं, मैं खुदा का पैगंबर हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं उनका संतान हूं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में क्या कहते हैं? तशाम ब्रह्म महत योनि यहम बीज प्रदत पिता। मैं समस्त जीवों का बीज प्रदत पिता हूं। देखिए यदि हम समस्त जितने भी इस दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, और जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, सभी धर्मों के ग्रंथों को निकालेंगे तो वहां यही लिखा हुआ है कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा का पुत्र हूं, या फिर मैं उनका मैसेंजर हूं। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं क्या? ताशाम ब्रह्म महत योनि यहम बीज प्रदत पिता, यहम बीज प्रदत पिता, मैं ही हूं पिता सबका, मैं ही सबका पिता हूं, मैंने ही जो मेरे ही द्वारा समस्त सृष्टि हुई है और सबका बीज जो है मैंने ही डाला है। इस दुनिया के प्रथम जीव ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सबके बीज प्रदत पिता कौन है? भगवान कृष्णा, हमारे ओरिजिनल जो फादर हैं। लोग आज हैप्पी फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक पिता हैं उनको तो भूल ही चुके हैं लोग। अब बताइए कि भगवान कौन है? इतने इतने शास्त्र, इतने इतने वेद, इतने इतने पुराण, सब तो यही कह रहे हैं ना कि भगवान जो है सो कौन है? श्री कृष्ण है।
और बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। तो सभी शास्त्रों का, समस्त वेदों का जो निचोड़ है, निचोड़ कर कि भगवान कौन है, मैंने एक छोटे से समय में आपके सामने रखा कि भगवान कौन है। समस्त वेदों का शास्त्रों का, शास्त्रों में जो जानने योग्य विषय है वो है भगवान, और समस्त वेदों और समस्त शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय जो है वो है भगवान कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you so much for watching. Please subscribe our channel and please press the bell icon. You can also follow me on Instagram and Facebook. That's rupanugadas.rgm. Hare Krishna. Thank you so much.